2 जुलाई 2022 रात 8 बजे चिटनवी सेंटर सिविल लाइंस नागपुर में IIDS फैशन रनवे 2022 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अभिनेत्री जोया अफरोज, जो अभिनेत्री मिस इंडिया इंटरनेशनल है, और प्रशांत पंचालवार, जो IIDS के संस्थापक है, ये उपस्थित थे। इस फैशन शो में कई सारे दीवाओं ने भाग लिया। बहुत अच्छा लगा। नागपुर के लोग एक तो बहुत बहुत प्यारे हैं। मैं पहले भी आ चुकी हूँ नागपुर, सो आज इस बार आके बहुत अच्छा लगा। एक तो यहाँ जब भी आती हूँ सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी होती है। अभी हम इवेंट शुरू करने वाले हैं, उसके पहले ही हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट ऑफ IIDS एंड आई विश प्रशांत जी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फर्दर शोज एंड आई होप एंड प्रे के सारे शोज़ बहुत सक्सेसफुल हों एंड बहुत अच्छे जाएँ। अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, वर्कआउट करिए, ढेर सारा पानी पीजिए एंड खुश रहिए। उसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इंडिया का सैश यू नो पहनकर मैं जब इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ी होंगी तो आई थिंक दैट विल बी द प्राउडेस्ट मोमेंट। इंडिया को रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगी कि अपने कल्चर की जो बेस्ट चीज़ें हैं और बेस्ट वे में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। यू नो जब बहुत सारे बच्चों में यू नो दे आर ऑल वेरी टैलेंटेड, बट जब पेरेंट्स उसको यू नो एक रास्ता देते हैं तो उनको मौका मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ले सकें, सीख सकें अपनी जर्नी में। सो आई थिंक मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली एंड डेफिनेटली मुझे इस जर्नी में बहुत बहुत सीखने को मिला और बहुत मज़ा भी आया। अकेडमी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है आज, और आज ही नहीं IIDS एज एन इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है सारे स्टूडेंट्स को टू लर्न एंड टू ग्रो। एंड एजुकेशन इज समथिंग दैट वी ऑल मस्ट सपोर्ट, एंड सिर्फ एजुकेशन ही नहीं अपनी स्किल्स और टैलेंट्स को भी बढ़ाना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।